क्या दोस्तों, आपको मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल रही है यूट्यूब पे? अगर नहीं मिल रही है तो एक मिनट का काम है, ये आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो रेड बटन ग्रे हो गया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को ग्रे करने के बाद बेल आइकन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब उसमें आते हैं तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में आपको फर्स्ट वाला ऑल का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप देख सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ प्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट, क्योंकि ये एक 2 मिनट ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, यानी इंस्टेंट ट्रीटमेंट बता रही हूँ ड्राई फ्रिजी बालों को ठीक करने का, बालों को सॉफ्ट स्मूथ बनाने का इंस्टेंटली। और ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आसान है, केमिकल फ्री है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बालों को ख़राब करेगी, बल्कि आपके बालों को फ़ायदा पहुँचाएगी। वो कैसे? क्योंकि जो ड्राई बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बाल होते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें मॉइस्चर नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, मैं कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई रूखे सूखे हो जाते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो उनको आप इंस्टेंटली भी ठीक कर सकते हो। वैसे तो मैंने बहुत सारे हेयर पैक और काफ़ी रेमेडीज़ आपको बताई हुई हैं और आपने ट्राई भी की हैं, वो अच्छी होती हैं, मगर कुछ लोग की रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि कोई इंस्टेंट तरीका बताइए कि शैम्पू करने के बाद उसे यूज़ कर सकें, कि बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, हेयर मास्क ना लगाना पड़े। तो आज का जो ट्रीटमेंट है, इसीलिए मैंने बोला 2 मिनट का ट्रीटमेंट है, इसको आप करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, बाल सॉफ्ट स्मूथ होने लगेंगे, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज की वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको भी ड्राई फ्रिजी बालों की परेशानी है। तो जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं इस होम रेमेडी को आप कैसे तैयार करोगे। होम रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 ग्लास, साथ ही कोई ऐसी चीज़ ले लीजिए जिससे आप इंग्रेडिएंट को नाप सकें, क्योंकि इसमें मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा ग्लास आप जो देख रहे हो, इसमें मैंने लिया है पानी, इसको ग्लास में डाल लीजिए। इसके बाद आप इसमें डालिए 1/2 छोटा ग्लास जो मैं ले रही हूँ, लगभग 2 चम्मच एलोवेरा जेल है ये, इसको भी आप इसमें डाल लीजिए, यानी कि रेशो हो रहा है 4:2 का, 4 चम्मच पानी तो 2 चम्मच एलोवेरा जेल। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 जो छोटा ग्लास है ग्लिसरीन, जो एक्सटर्नल ग्लिसरीन होती है वो आपको यूज़ करनी है, तो इसको आप इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट जो आप ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए, 4-5 बूंदे, मैंने लैवेंडर एसेंशियल ऑयल डाला है जिससे खुशबू अच्छी हो जाए इसकी, वैसे तो इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। इन सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद इसको आप भर लीजिए स्प्रे बॉटल के अंदर। स्प्रे बॉटल की हेल्प से आप इसको अपने बालों पे स्प्रे करोगे, ज़्यादा मत लगाइएगा वरना बाल आपके थोड़े ऑयली से महसूस होंगे, तो इसको कम ही लगाना है आपको, 1-2 स्प्रे सिर्फ। और इस तरह से अपने बालों को दोनों हाथों से प्रेस करिए। आप देख रहे हो मैंने अभी कोमिंग भी नहीं की है और मेरे बाल मुझे स्ट्रेट लग रहे हैं, फ्रिज जो ड्राइनेस थी वो चली गई है। खासकर ये जो आपके टिप होते हैं, एंड होते हैं हेयर के, इन पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि यहाँ से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फील होते हैं। तो अब इसको लगाने के बाद कोमिंग करेंगे अच्छे से। कोमिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा सूख जाने दीजिए, और फिर आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो गए हैं, जो ड्राइनेस थी, फ्रिजी हेयर थे, वो ठीक हो जाएंगे। और आप खुद ही देख सकते हो इंस्टेंट रिजल्ट, जब आपके बाल पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो आप देखोगे आपके बालों से ड्राइनेस बिल्कुल चली गई है। तो इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो शैम्पू करने के बाद, या फिर अगर आपको कहीं जाना है तब भी आप इसको लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है और बालों को मॉइस्चर देता है, हाइड्रेशन भी आपका बना के रखता है बालों में। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, इजी लग रही हो, इंस्टेंट लग रही हो। तो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज की वीडियो कैसी लगी, और ये बताइएगा ये रेमेडी आप क्या पहले यूज़ कर चुके हो, क्या इसका कोई फ़ायदा आपको मिला था, तो ये भी बताना, यूज़ करने के बाद भी बताना कि आपको ये कैसी लगी।
साथ ही और ज़्यादा अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए, और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।